नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एवरेज एटॉमिक मास। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवरेज एटॉमिक मास। अब आप ये बताओ, जैसे सपोज करो कोई क्लास एक्स है, जैसे आप क्लास 11 में हो, ठीक है, क्लास 11 में हो, तो 11 क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं। जैसे हम इसको एक्स वन बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, ठीक है, ये बच्चों को रिप्रेजेंट किया। ये बच्चा जो हमारा है वो पाता है 50% मार्क्स, ये पाता है 50% मार्क्स, ये पाता है 60% मार्क्स, ये पाता है 75% मार्क्स, ठीक है, और ये पाता है 30% मार्क्स। तो अगर पूछा जाए कि जो इस क्लास एक्स की परफॉर्मेंस है वो क्या है, या फिर इस क्लास एक्स का एवरेज मास क्या है, इस क्लास एक्स का एवरेज मास, तब आप क्या बताओ, कैसे निकालते हैं एवरेज, ये हमें बताओ। जो आप मैथ में पढ़ते हो ना, वही एवरेज यहां भी कैलकुलेट करना है। ऐसा नहीं कि कोई नया एवरेज आया है। और एवरेज को बेसिकली अगर देखा जाए तो क्लास 9 10th में, बेसिकली क्लास 10 में आपने मीन पढ़ा है, आपने पढ़ा है ना, मीन, मीडियन, मोड, स्टैटिक्स में। तो जो मीन है वो हमारे एवरेज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, यस सर, क्लियर है। चलो अब हम अपना एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें अपने केमिकल सिस्टम में एवरेज कैसे निकालना है। पहला एग्जांपल ले लेते हैं। देखो पिछली क्लास में हमने बताया था कि हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप होते हैं। हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप, पहला होता है प्रोटियम जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1H1 से, दूसरा होता है ड्यूटेरियम जिसको रिप्रेजेंट करते हैं 1H2 से, ये 1 है और ये 2। 1, 2 का मतलब क्या है, ये एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता जाता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं 1 और 3 से, इसको हमने नाम दिया था वहां पे ट्राइटियम, आपको याद है, क्लियर। सिमिलरली कार्बन 12 जो यहाँ पे एग्जांपल लिया है मैं वही ले लेता हूँ। कार्बन 12 हैव 3 आइसोटोप, कार्बन 6 12, कार्बन 6 13। अब अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि ये 6 क्या है, 13 क्या है, ये है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, ये अभी क्लियर हो जाएगा। और कार्बन 6 14, ये 3 आइसोटोप होते हैं। अब 3 आइसोटोप, जैसे हमने कहा ये कवलजीत है, ये हमने कहा दीप ज्योत है, और हमने ये कहा ये रेखा है, तो अब हमें ये तो बताना पड़ेगा कि इनके मार्क्स कितने हैं। तो हम ये बताएंगे कि ये नेचर में कितने पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो कार्बन 12 जो है ये हमारा पाया जाता है 98.892%। इसका ऐसा एटॉमिक मास कितना है, 12, क्योंकि यहाँ पे 12 लिखा है, तो दिस इज द 12। नेक्स्ट है कार्बन 13 जो हमारा पहला हमने कहा कि कवलजीत है, तो दूसरा मान लो दीप ज्योत है, तो दीप ज्योत जो कितना पाया जा रहा है परसेंटेज में, 1.1% इसकी नेचुरल अबंडेंस है, मतलब नेचर में ये इतना ही पाया जा रहा है, एंड इट्स एटॉमिक मास विल बी 13। इस 13 को एग्जैक्ट लिखा गया 13.000335, ये एग्जैक्ट में लिखा गया है AMU में, ठीक है। कार्बन 14 है, कार्बन 14 कितना पाया जा रहा है, 2×10⁻¹, इसकी अबंडेंस सबसे कम है। क्यों कम है, क्योंकि आगे हम पढ़ाएंगे आपको तो हम बताएंगे कि ये रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव है। अब आगे थोड़ा आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये रेडियो एक्टिव क्या होते हैं। रेडियो एक्टिव का मतलब वो होता है, क्योंकि आप पहली बार 11th में आए हो ना, 10th में था क्या रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिविटी, कार्बन 14 डेटिंग चैप्टर, कार्बन वाला चैप्टर पढ़ा था आपने, तो वहां पे थोड़ा सा था, मैं ये बता देता हूँ। जैसे ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं ना, ये नेचुरली अपने आप खत्म होते रहते हैं। खत्म होने का मतलब अगर इनकी हाफ लाइफ है, मान लो इस कार्बन 14 की हाफ लाइफ है एक दिन, 1 day, वैसे होती कितनी है, वो होती है 5730 years, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, इतना होती है इनकी हाफ लाइफ, ठीक है। अगर मान लो कि अगर एक दिन है, तो अगर कार्बन 14 को आपने, इस कार्बन 14 को
आप 100 ग्राम लिए हो तो अगले एक दिन बाद इसका जो अमाउंट बचेगा ना वो बचेगा 50 ग्राम, जस्ट हाफ हो जाएगा, क्योंकि हम हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं, 50 ग्राम आधा अपने आप उड़ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा एक अलग टॉपिक है, हम वहां पे बाद में बात करेंगे, उसका टेंशन नहीं लेते, बस हम ये देख के चलेंगे कार्बन 14 का जो एटॉमिक मास है MU में वो 14.00317 है। अब देखो हमारे पास नेचुरल अबंडेंस आ गई, एटॉमिक मास आ गया, अब ये दो चीजें आ गई। अब अगर आपके पास दो चीजें आ गई तो आप इसका एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। एवरेज एटॉमिक मास का फार्मूला जो होगा वो होगा अबंडेंस अबंडेंस इनटू एटॉमिक मास मतलब AMU, एटॉमिक मास मतलब AMU अपॉन 100, क्योंकि जो परसेंटेज है ना वो टोटल कितना होती है 100 होती है, तो हम 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो हम परसेंटेज निकालते हैं वो 100 में निकालते हैं। अब देखो अगर मोर देन वन एटॉमिक मासेस होते हैं, मोर देन वन अबंडेंस होती है, तो हम यहाँ पे सिग्मा लगा देते हैं। सिग्मा का मतलब क्या है कि इतने जितने भी टर्म है इनको मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, फिर 100 से डिवाइड कर दो। क्लियर है? चलो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो यहां से परसेंटेज अबंडेंस कितना है, 98.98.8, मोटा मोटा मैं ले लेता हूं। देखो चलो यहां से पूरा ही ले लेता हूं, कोई बात नहीं पूरा ले लेता हूं, 98.892। तो ये है आपका 98.892, ठीक है। इसका मास कितना है, क्योंकि एटॉम अबंडेंस हो गया उसके बाद मास, तो ये कार्बन 12 का था, इनटू 12 सिग्मा लगाया मैंने ना प्लस पहले, सिग्मा का मतलब होता है जितने भी ऐसे टर्म है उनको जोड़ देंगे। दूसरे का अबंडेंस कितना है 1.1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.108 मल्टीप्लाइड बाई किसका ले रहे, कार्बन 13 के लिए, तो 13। अब इसकी भी देखो 13.00, ये जो वैल्यू है आप पूरा रख लो, ये वैल्यू है 13.00335 प्लस सिमिलरली 14 के लिए भी रख लेंगे, ये 2×10⁻¹⁰ रख लेंगे, 2×10⁻¹⁰ इंटू कितनी इसकी परसेंटेज एटॉमिक मास यूनिट है 14.00317317, तो हम ये रख लेते हैं 14.00, इतना ही रख लेते हैं। इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, परसेंटेज किसके रेस्पेक्ट में होता है 100 के, परसेंट मतलब 100 के, तो दिस विल बी 100। अब इसको सॉल्व करोगे ना, देखो यहाँ पे सेम चीज दिया गया, इसको पहले ही 100 से डिवाइड कर दिया गया है, तो ये हो जाएगा 0.98×12, ये पहले ही 100 से डिवाइड कर दिया गया, ये पहले ही 100 से डिवाइड किया गया है। तो जब पूरा सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका आएगा 12.011 AMU, इसी को हम लिख सकते हैं यू भी, तो सेम को हम लिख सकते हैं 12.0U। तो यही है कार्बन का जो एवरेज एटॉमिक वेट होता है, हम कहते हैं 12 ग्राम है, क्योंकि हम 1 मोल के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो 12 ग्राम, और AMU में रेस्पेक्ट करते हैं तो 12.011 AMU या फिर U। समझ में आ गया? यस सर। चलो नेक्स्ट देखो, मैं इसी पे तुरंत आपको एक एग्जांपल करवा देता हूं, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा।
एक सेकंड, बहुत स्लो स्क्रॉल हो रहा है, थोड़ा सा वेट करो, मैं स्क्रॉल करता हूँ। दिस इज द क्वेश्चन 1.9 बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन ऑफ एवरेज एटॉमिक मास। आपसे क्या पूछ रहा है? एटॉमिक मास एवरेज। अब देखो, जैसे हमने कहा कार्बन के तीन आइसोटोप हैं, कार्बन 14, कार्बन 13, कार्बन 12, यही तो कहा था। अब ये कार्बन 12 है। अब आप सपोज करो कि सिमिलरली अगर हम कार्बन के जगह क्लोरीन रख लें Cl, तो हम ये कह सकते हैं कि इस Cl के जितने भी आइसोटोप होंगे उनका हम एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। तो इस क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। इस क्लोरीन 35 का अबंडेंस 75.77, 24.23, 37 का मोलर मास दे रखा है 34.9689। और अब एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हो या मैं निकाल के बताऊं? अभी आपको पढ़ाया, अभी आपको फार्मूला दिया था सिग्मा अबंडेंस, जो अबंडेंस है उसका, ये है आपका अबंडेंस इनटू एटॉमिक मास यूनिट एएमयू। एएमयू का मतलब इसको हम चाहे तो लिख ले मास, मोलर मास अपान 100, जो आएगा उसके अपान 100 कर देना। तो आप ये कैलकुलेट करके हमें बता सकते हो अभी के अभी? यस सर। ठीक है, आप बताओ। आपको ये करना था कि इस परसेंटेज अबंडेंस को मल्टीप्लाई करना था इससे, और इस परसेंटेज अबंडेंस को मल्टीप्लाई करना था इससे, और दोनों को जोड़ देना था, और उसके बाद जो आया उसको 100 से डिवाइड कर देना था। ठीक है, चलो हम करते हैं, आप बताते जाना, आंसर बताते जाना। ठीक है, 75.77 को मल्टीप्लाई करेंगे 34.96, ठीक है, प्लस करेंगे, एक का मल्टीप्लिकेशन हो गया, दूसरे का करेंगे, दूसरा है 24.23, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 36.96 से, 36.96, और जो आया इन सबको हम डिवाइड कर देंगे 100 से। ठीक है, चलो पहला मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा बताओ? सर 2649.59। यस सर। ठीक है, प्लस दूसरा मल्टीप्लिकेशन कितना आया सर? 895 0.68। यस सर। ठीक है, दिस विल बी डिवाइडेड बाय 100। अब दोनों को जोड़ दो, जब इन दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा 3500। कितना आएगा और बताओ? 354। प्लस कर दो दोनों को, yes. 5 और 9 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 14 हो जाएगा, और 8 5 15, तो ठीक है, पॉइंट आ जाएगा 8 5 13, और 8 9 17, तो ये 7 और ये 4। आप इसको जब डिवाइड करोगे 100 से, तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आएगी, ये आएगी 35.45, और इसको हम लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू 35.5। तो दिस विल बी द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। क्लियर? यस सर, क्लियर। एक सर मुझे ये पूछना था कि एक अप्रोक्सीमेट का साइन भी होता है ना, जिसको इक्वल्स टू को ऐसे थोड़ा कर्व करके लिखते हैं। ये सर राउंड ऑफ कर लो, अप्रोक्सीमेट नहीं है, इसे राउंड ऑफ कर लो। नहीं सर, एक साइन है जो हमारे स्कूल की मैम ऐसे लिखती है इक्वल्स टू को थोड़ा ऐसे कर्व करके। साइन ये होता है, पहले दो पाई खींचते हैं, मतलब इक्वल टू का साइन, उसके ऊपर ऐसे लगा देते हैं। यस सर।
ठीक है, दिस इज द साइन, क्लियर? यस सर। तो चलो एक क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिया, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करते हैं। सर वो मैंने उस टाइम एक को ही 100 से डिवाइड कर दिया था पूरे की बजाय। कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं, अब आ गया समझ में ना आपको, कॉन्सेप्ट भी आ गया, एग्जांपल भी करा दिया हमने, एग्जांपल के आपका एक क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट है ना, वो है नेक्स्ट हेडिंग है मोलर मास। अब हमें क्या पढ़ना है, नेक्स्ट पढ़ना है मोलर मास। तो ये मोलर मास क्या होता है? अब हमें ये बताओ कि जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम या फिर लिथियम के बाद बेरिलियम, बेरिलियम, बेरिलियम के बाद बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, इसी तरह सारे एलिमेंट का ना जो मास रिपोर्ट किया जाता है वो एवरेज एटॉमिक मास रिपोर्ट किया जाता है, एवरेज एटॉमिक मास इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, जो हम पढ़ते हैं एटॉमिक मास उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये जो एटम है, ये एटम टू या फिर मोर देन टू, मोर देन टू कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, वी हैव रीड दिस इन लेटर क्लासेस। तो अगर ये मॉलिक्यूल बनाता है तो किसी मॉलिक्यूल का जो मास होगा ना उसे क्या कहा जाएगा, मोलर मास। द मास ऑफ मॉलिक्यूल इज नोन एज मोलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस, क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल बनाने में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, एटम्स, ये एटम्स ही तो कर रहे हैं, दो या दो से ज्यादा, तो जितने भी एटम है उनके मास को हम क्या करेंगे, सम कर देंगे तो मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा, क्लियर है? यस सर। हाँ, अगर कोई नंबर है, कोई नंबर में एटम यूज हो रहे हैं तो उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एग्जाम्पल करेंगे वहां से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलो पहला एग्जाम्पल है CH4 का, यहां से दिख रहा है कि कार्बन का तो एक एटम है लेकिन हाइड्रोजन का चार एटम, क्लियर है? चलो मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना है, तो हम क्या करते हैं कि इस मॉलिक्यूलर मास को, कार्बन का जितना एटॉमिक मास होता है कितना होता है, 12.011, 4 मल्टीप्लाइड बाई हाइड्रोजन का मोलर मास, हाइड्रोजन का होता है 1.008 यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, जोड़ दिया, 4 को मल्टीप्लाई किया उसमें जोड़ दिया, तो दिस विल बिकम 16.043 यू, क्लियर? तो yes, इससे हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे मोलर मास। लेटर ऑन हम जब मोल पढ़ेंगे ना, जब हम मोल पढ़ेंगे तब हम इसी को कह देंगे, मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में डिनोट कर देंगे, जैसे इसे हम लिख देंगे 16 ग्राम, देखो 16.0 है ना, 04 है, तो हम इसे मान लेते हैं एग्जैक्ट 16, क्योंकि हमारे केमिस्ट्री में इतना कैलकुलेशन मायने नहीं रखता क्योंकि हम मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, तो हम इसे कह देंगे कि 16 ग्राम मोलर मास है किसका, मीथेन का, दिस इज द मोलर मास ऑफ मीथेन, ये हम लिख देंगे, क्यों? क्योंकि हमारा इतना कैलकुलेशन से हमारा आंसर बहुत ज्यादा फर्क नहीं डालते तो हैं, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पूछा जाता, जो ऑप्शन है ऑप्शन कर लोगे, तो हम ये रखते हैं। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं वाटर का, वाटर में बताओ, देखो जिसके साथ ये दो लिखा होता है ना, 2, 3, 4, वो उसकी वैल्यू होती है, उसके साथ जुड़ा होता है, मतलब ये हाइड्रोजन के साथ है, तो 2 into एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे, 1 into एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ये कर लेते हैं, 2 into 1.008 U प्लस ऑक्सीजन का 16, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 18.002। लेटर ऑन हमने आपको अभी बताया किसी को ग्राम में रिप्रेजेंट कर देंगे तो मोलर मास हो जाएगा 18.02 को इसके आगे जो यू लिखा है ना वहां पे ग्राम लिख देंगे तो ये 1 मोल का मास हो जाएगा। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम ग्राम से ज्यादा फैमिलियर होते हैं तो हम मोल में डील करेंगे आगे, तो हम इसे ऐसे लिख लेंगे, क्लियर? यस सर, यस सर, यहां तक क्लियर है? यस सर, क्लियर है। चलो नेक्स्ट है फार्मूला। अब देखो फार्मूला जो मास है वो एक तरीके से कह लो कॉन्सेप्चुअल मास है। कॉन्सेप्चुअल मास मतलब हम सोडियम क्लोराइड, आप क्लास 10 में पढ़े होंगे सोडियम क्लोराइड को क्या कहा जाता है, इसका कॉमन नेम क्या है सर, सॉल्ट।
अरे सॉल्ट तो है भाई, ये तो इसका जनरल नेम हो गया कि सॉल्ट है, कैटेगरी हो गई बेसिकली। इसका नाम है कि ये कॉमन सॉल्ट है, ठीक है। कॉमन इसलिए कहते हैं कि कॉमनली हर घर में पाया जाता है, ये कॉमन सॉल्ट है। इसका जनरल नाम है कॉमन सॉल्ट। इसको हम कभी कभी टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। टेबल सॉल्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि टेबल पे परोसा जाता है। क्या कहते हैं? टेबल सॉल्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम खाते हैं तो हम अपने टेबल पे इसी को मोस्टली यूज कर लेते हैं। जो हम खाने में नमक खाते हैं ना, वही NaCl है। दिस इज नथिंग बट टेबल सॉल्ट, या फिर इसे हम कह सकते हैं ईटिंग सॉल्ट जो हम खाते हैं। हालांकि हम काला नमक भी खाते हैं, सेंधा नमक भी खाते हैं, इसलिए इसे ईटिंग सॉल्ट कहना थोड़ा अच्छा नहीं लगता, ठीक है। लेकिन कह सकते हो आप, क्योंकि मोस्टली यही खाया जाता है, ठीक है। लेकिन सर, जो काला नमक और सेंधा नमक होता है, हाँ, वो ये वाला जो है ना, ये थोड़ा हटा देना क्योंकि ये बहुत एक्यूरेट नहीं है। टेबल सॉल्ट ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, कॉमन सॉल्ट ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। जब वन डे आप एग्जाम देते हो ना कॉम्पिटिशन के, तो इसमें पूछा जा चुका है। चलो, तो अगर हम बात करें तो आप देखते हैं कि जो NaCl होता है ना, वो सॉलिड स्टेट में होता है, और सॉलिड के साथ साथ क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। आप देखोगे तो इसके क्रिस्टल दिखते हैं, एक एक पीस को उठा के देखोगे तो एक पर्टिकुलर टाइप के अरेंजमेंट में दिखेगा, या फिर सारे कुछ एक जैसे दिखते हैं। यहाँ पे इसका देखो दे रखा है, यहाँ पे इसकी पैकिंग दे रखी है NaCl की, तो यहाँ पे इस पैकिंग में है। जब हम सॉलिड स्टेट पढ़ाएंगे तो वो आपको बहुत अच्छे से समझ पाएगा, लेकिन अभी आपको ये देख लेना है। तो अगर हम NaCl की बात करें तो जब इसकी पैकिंग होती है ना, तो ये पैकिंग में कैसे एग्जिस्ट करता है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये एग्जिस्ट करता है Na6 और Cl6, ऐसे एग्जिस्ट करता है। अब आप बताओ कि अगर हम जब भी कॉमनली पढ़ते हैं तो हम तो पढ़ते हैं NaCl, अगर हम इसको 6 से डिवाइड कर दें, अगर इसे हमें 6 से डिवाइड करना है तो 1/6 से मल्टीप्लाई कर दें। यस सर। तो 1/6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 से डिवाइड कर देते हैं, तो इसका जो जनरल फार्मूला बन के आता है ना, वो क्या आता है? NaCl। NaCl मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है। ये क्या है? यह है मॉलिक्यूलर फार्मूला MF, यह है मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन ये क्या है? जनरल फार्मूला। तो अब हम इसके कहते हैं ये फार्मूला है। अगर हम फार्मूले का वेट लेते हैं तो उसे हम कहते हैं फार्मूला वेट, अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूले का वेट लेते हैं तो उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट। ये ध्यान देना। यस सर। ठीक है, जब हम मॉलिक्यूलर फार्मूले का वेट लेते हैं तो हम कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट, जब हम फार्मूले का वेट लेते हैं तो हम कहते हैं फार्मूला वेट। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम इसका आयनिक सोल्यूशन वगैरह बनाते हैं तो हम यहाँ पे इसका फार्मूला वेट यूज करते हैं, ना कि मॉलिक्यूलर फार्मूला। ऐसा इसलिए क्योंकि ये टूट जाता है बाद में, Na+Cl- में टूट जाता है अलग अलग, इसलिए हम वहां पे कर लेते हैं, तो वहां पे तो चल जाता है। अब जब भी हम फार्मूले का वेट लेंगे तब हम उसे कहेंगे फार्मूला मास। यहाँ पे लिखा है देखो, द फार्मूला सच एज NaCl इज यूज्ड टू कैलकुलेट द फार्मूला वेट। अब वेट में थोड़ा सा आपने पढ़ा कि एक एवरेज वेट है, एवरेज एटॉमिक मास, एक अभी आपको हमने ऊपर पढ़ाया ये एवरेज वाला, एक अभी ऊपर हमने पढ़ाया मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला की अगर मॉलिक्यूल का फार्मूला है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, हमने कहा केवल कल फार्मूला है तो फार्मूला मास, और एवरेज एटॉमिक मास, तीन चीजें आपने पढ़ी, ठीक है। हालांकि जो हम लिखते हैं ना NaCl, ये ऐसे मिलता नहीं है, ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, ये एग्जिस्ट करता है Na6Cl6। कैसे एग्जिस्ट करता है? Na6Cl6 में, ठीक है, क्लियर। तो ये आपको अब समझ में आ गया होगा। यस सर। चलो ठीक है, अब ये हम प्रॉब्लम कर लेते हैं कि चलो NaCl का फार्मूला मास कितना है, तो Na1 है, Na का होता है 23, क्लोरीन का अभी आपने कैलकुलेट किया था 35.5, दोनों को सम कर देंगे तो ये आ जाएगा 58.5। ये हो गया फार्मूला मास ऑफ NaCl। नेक्स्ट है मोलर मास का क्वेश्चन कि मोलर मास ऑफ ग्लूकोज क्या है, तो ग्लूकोज का सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6, ये 12th में आपको बहुत ज्यादा फोकस करके याद कराया जाता है, तो कुछ नहीं करना,
जितने कार्बन है ना, कार्बन के साथ नंबर कितना है, सिक्स, सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। हाइड्रोजन का एवरेज एटॉमिक मास जितना होगा उसमें 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऑक्सीजन का जितना होगा उसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कर देते हैं, इसको 6 से मल्टीप्लाई किया 12.01, 1.008 को 12 से, इसको 6.16 से टोटल सम किया, तो जब से सम करोगे आ जाएगा 180.162 यूनिट। क्लियर? यस सर।